Today, I'm gonna make a very short video on glycolysis. Okay, so it's a biochemistry topic, and glycolysis is very important. Glycolysis बहुत important होता है, जो भी आप biochemistry पढ़ रहे होते हैं अपनी preparations के लिए, तो आपको glycolysis पता होना चाहिए. Glycolysis cycle, उसमें कितने ATPs बन रहे हैं, कौन कौन से steps हो रहे हैं इसके अंदर, और ये बहुत basic चीज़ है. आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, बट ऑब्वियसली याद नहीं रहता, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो याद नहीं रहते. बट आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चंस उठ के आते हैं बायोकेमिस्ट्री से. लोग बायोकेमिस्ट्री इसलिए छोड़ देते हैं, पीपल यूजुअली स्टॉप डूइंग बायोकेमिस्ट्री बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक इफ़ यू डू द बेसिक इन्फॉर्मेशंस, बेसिक थिंग्स, यू कैन स्कोर इन बायोकेमिस्ट्री. सो फ्रॉम दैट ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, एंड यूजुअली इन द एम्स और इन द पीजी पेपर ग्लाइकोलाइसिस क्वेश्चंस यूजुअली कम. सो आई थिंक यू शुड डू दिस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर डूइंग ग्लाइकोलाइसिस, एंड एज यू कैन सी इट्स अ फ्लो शॉर्ट. ओके, सो यू हैव टू मग अप द थिंग्स, बट या इफ समबडी मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, यू कैन मार्क इट अप ईजीली. ओके, तो हम इसको थोड़ा आसान बनाएंगे आपके लिए. आप इसको छोटा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं. मैं आपको बताऊंगी आप शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखिए, ताकि आपके अपने बेटर नोट्स हों, क्योंकि अगर आप बुक से उठा के मगअप करना शुरू करेंगे तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा. तो इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे. पहले तो हम इनके नाम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या नाम है. दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कौन से स्टेप में एटीपी यूज़ हो रहा है, कितने नंबर ऑफ एटीपी बन रहे हैं साइकिल में. और तीसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इस पूरी पूरी साइकिल में यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है. जैसे कि नाम बता रहा है, लाइसिस, जहाँ पे भी लाइसिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना. तो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूज होती है उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो ग्लाइकोलाइसिस होता है. सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है काम करने के लिए. अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा. रेयर कंडीशंस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडी से काम चला लेता है. बट अगर आपको टेस्ट दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा ब्रेन का काम कर रहे हैं, तो आप उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करें तो वो बेटर काम करेगा. ठीक है, तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें ग्लूकोज कैसे टूट के एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ग्लाइकोलिसिस होता है. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको बताना चाहिए पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट, पहले ग्लूकोज टूट के कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. अगर आपके पास कॉपी पेन है आप उसमें लिख सकते हैं. पहले आप लिखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए आप वर्ड यूज करिए जी. फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के लिए आप यूज करिए G6P. G6P आप इसका छोटा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. जी कन्वर्ट्स इंटू G6P. फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को आप लिखिए F6P. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, इसको आप लिखिए F16BP. F16BP. फिर जो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट होता है दो मॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बनती हैं. एक तो बनता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को आप G3P लिख सकते हैं. और एक बनता है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको आप DHAP लिख सकते हैं. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP. अब यूजुअली क्या होता है कि जो DHAP होता है हमारा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट ही फर्दर टूटता है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये था कि ये जो साइकिल में अब हम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि जो हमारा दो मॉलिक्यूल बने हैं, एक हमारा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का बना है, एक हमारा DHAP का बना है, तो जो हमारे DHAP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो हमारे पास ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके. ठीक है, तो अब जो हमारा
अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, ग्लिसरॉलीहाइड्स भी फॉस्फेट का, अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इसको आप लिखिए 1,3-बी पी जी, पी जी मतलब फॉस्फोग्लिसरेट, पी जी वर्ड हम फॉस्फोग्लिसरेट के यूज़ करेंगे, तो 1,3-बी पी जी, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, दैट इज 3 पी जी, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, दैट इज 2 पी जी, और 2 पी जी फाइनली कन्वर्ट हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को PEP लिख सकते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फर्दरली जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट को आप PV लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा हमारा फ्लो चार्ट बन जाएगा, दैट इज जी इज कन्वर्टेड इंटू G6P, G6P कन्वर्टेड इंटू F6P, F6 कन्वर्टिंग इंटू F16BP, F16BP कन्वर्टेड इंटू G3P एंड DHAB। G3P टू मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, G3P इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू 1,3-BPG, 1,3-BPG इज कन्वर्टिंग इंटू 3 PG, 3 PG कन्वर्टिंग इंटू 2 PG, 2 PG कन्वर्टिंग टू PEP एंड PEP कन्वर्टिंग इंटू P। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब हम सेकेंड स्टेप में पढ़ते हैं, जिसमें हमें बात करना है कि कहाँ कहाँ ATP बन रहा है, कहाँ कैसे बन रहा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें G6P में कन्वर्ट होता है, उसमें हमारा एक ATP यूज़ होता है। फिर जो हमारा थर्ड स्टेप होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट F6P, जब हमारा F16BP में कन्वर्ट होता है तो भी हमारा एक ATP कंज्यूम होता है। तो जो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेप होता है वहाँ पे हमारे एक एक ATP कंज्यूम होते हैं। फिर जो हमारा ये वाला स्टेप है जिसमें कि ग्लिसरल डिहाइड्री फॉस्फेट G3P जब हमारा कन्वर्ट होता है 1,3-BPG में, तब हमारे यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनता है? 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बतानी चाहिए, पहले बुक्स में, पहले वाले लोगों में ये होता था, लोग ये बताते थे, पढ़ाते थे कि जो NADH होता है वो टूट के 3 ATP बनाता है। बट जो रिसेंट स्टडीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि NADH हमारा टूट के 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे इस स्टेप में G3D जब कन्वर्ट हो रहा है 1,3-BPG में, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 NADH बन रहा है, NADH बन रहा है, तो यहाँ पे 2 × 2.5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 5 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये जो स्टेप है हमारा, इसमें 5 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फिर उसका जो जस्ट नेक्स्ट स्टेप है जिसमें 1,3-BPG हमारा 3 PG में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें हमारे पास 2 ATP बन रहे हैं, 2 ATP। ठीक है, और एक जो लास्ट स्टेप है हमारा जिसमें PEP पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, PEP कन्वर्टिंग टू P, वहाँ पे भी हमारे पास 2 ATP बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने ATP बने यहाँ पे? पहले तो 2 NADH बने थे, तो यहाँ पे 5 ATP बने थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 ATP बने थे, फिर लास्ट स्टेप में 2 ATP बने थे, तो टोटल 9 ATP बने थे। लेकिन क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 1 1 ATP कंज्यूम हुए, तो टोटल ऑफ 7 ATPs हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा का जो एक साइकिल है उसके हिसाब से 7 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, 7 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। सो दिस इज हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड चीज हमने एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। एंजाइम्स में आप छोटा करके लिख सकते हैं, जब हमारा G6P में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम आता है। फर्क क्या होता है हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज में? ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हम तब यूज करते हैं जब हम हमारी बॉडी फुल ऑफ शुगर होती है, मतलब जैसे कि हमने खाना खाया है, जस्ट मील लिया है, तो हमारी बॉडी में बहुत शुगर होती है, तो उस टाइम ग्लूकोकाइनेज काम करता है। लेकिन अगर कोई बंदा व्रत पे है या फास्ट है, उसने खाना नहीं खाया, तब भी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो तब जो एंजाइम काम आएगा वो हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, दैट इज HK और GKA से आप लिख सकते हैं। फिर जब हमारा G6P F16 में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास यहाँ पे काम आता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फो ग्लूकोआइसोमरेज या फिर फॉस्फो हेक्सोआइसोमरेज। अगर ग्लूकोकाइनेज काम आ रहा है तो फॉस्फो ग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम होगा, अगर
हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है तो फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज को. आइसोमरेज क्यों? क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इससे आइसोमरेज एंजाइम यूज होगा. तो आप इसको आप इसको PGI या फिर PFI लिख सकते हैं, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज या फिर फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज, वैसे फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज. तो आप इसको PGI या PHI लिख सकते हैं, वैसे बुक में PHI लिखा हुआ है, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज साइड है. आई होप आपको वो यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा PFK. PFK मतलब फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आपको पता होना चाहिए. PFK1, PFK2 आगे फर्दर स्टडीज में आपको पता चलेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज टूट रहा है तो फ्रक्टो वर्ड यूज होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फिर हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 दैट इज F1,6BP जो है जब हमारा कन्वर्ट हो रहा है G3P और DHAB में, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन एंजाइम एल्डोज यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोज, आपको पता होना चाहिए एल्डोज, ठीक है. उसके बाद जब हमारा जो G3P है वो कन्वर्ट होता है 1,3-BP-G में, तब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे यूज होता है. ओके, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्राइवर्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, या फिर आप बुक के हिसाब से अगर आप चलें तो बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. तो आई थिंक आपको उस हिसाब से चलना चाहिए. बुक के हिसाब से जब हमारा G3P कन्वर्ट होता है 1,3-BP-G में, तो हमारे पास एंजाइम यूज होता है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. यू शुड चेंज दिस वर्ड एंड यू शुड राइट ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज G3PD. दिस एंजाइम इज यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है क्योंकि इसी स्टेप में हमारे पास 2NADPH के मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये 2NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये 2NADH फर्दर टू के 5ATP बनाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक ऐसा स्टेप है पूरी साइकिल में जो सबसे ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है. तो क्वेश्चन अगर आता है विच स्टेप विच एंजाइम प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ ATP, सो दैट इज G3PD, ग्लिसरोडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1,3-BP-G कन्वर्ट होता है 3-PG में, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, दैट इज PGK, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज. फर्दर 3-PG कन्वर्ट होता है 2-PG में, यहाँ पे यूज होता है फॉस्फोग्लिसरोमेटेज, ठीक है. दोनों स्टेप्स में एंजाइम का क्या फर्क है, एक में फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज यूज हो रहा है, एक में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज हो रहा है, एक म्यूटेशन है ये, तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-PG कन्वर्ट होता है PEP में, एनोलेज एंजाइम यूज करता है. एनोलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस में, पूरी की पूरी AMP पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन यूजली पूछा जाता है कि अगर एनोलेज एंजाइम जो है किससे ब्लॉक होता है, यूजली क्या होता है अगर फ्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो जो एनोलेज एंजाइम होता है ब्लॉक हो जाता है और वो कन्वर्ट नहीं करता 2-PG को PEP में और साइकिल रुक जाती है. तो एनोलेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट PEP कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में विद पाइरुवेट काइनेज, PK से आप इसको याद रख सकते हैं पाइरुवेट काइनेज. ये भी एक ऐसा स्टेप है जिसमें 2 ATP बनते हैं, ठीक है. एक छोटी सी और चीज़ आपको बतानी चाहिए, यहाँ पे 2 स्टेप ऐसे हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ATP प्रोड्यूस करते हैं. एक तो स्टेप है जब 1,3-BP-G हमारा 3-PG में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है. दूसरा जो स्टेप है हमारे पास जिसमें PEP कन्वर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पाइरुवेट में, वो वाला जो स्टेप है दैट इज ऑल्सो और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. तो 2 स्टेप्स हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के हैं. नेक्स्ट जो चीज़ आपको बतानी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट स्टेप दैट इज G into G6P
एंड थर्ड स्टेप F6P टू F16BP एंड लास्ट स्टेप PEP कन्वर्टिंग इट टू पाइरूवेट. ये तीन स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस में, बाकी सारे रिवर्सिबल होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.